हेलो एवरीवन दिस इज राजन हियर फ्रॉम इक्यूनिटी सर्विसेज आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका फेसबुक का अगर आपका पेज है और वो पेज पे आप पोस्ट डालना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जब भी आप फेसबुक पे पोस्ट डालें वही सेम पोस्ट जो है वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी चला जाए तो ये करने के लिए काफी सारे वे है जो आप यूज कर सकते हैं तो आज जो हम वे देखने वाले है वो फेसबुक बिजनेस सूट करके एप्लीकेशन है जिसके थ्रू देखेंगे जो पेज मैनेजमेंट के लिए यूज होता है तो पहले मैं ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ यहाँ पे अगर मैं फेसबुक सूट डालूंगा तो ये एप्लीकेशन है जिसे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉल करने के बाद में में आपको सेम सेम फेसबुक फेसबुक यूजर यूजर आईडी आईडी पासवर्ड पासवर्ड यूज यूज करना होगा अगर आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो पेजेस ले लेगा जो आपके अकाउंट लेर्ड है तो अभी ये करने के बाद में आपको आपके पेज पे जाना है यहाँ पे मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं अगर आपके मल्टीपल पेजेस आप मैनेज कर रहे हैं तो बहुत सारे पेजेस दिखेंगे अगर आप सिंगल पेज मैनेज कर रहे हैं तो वही पेज दिखेगा तो ये पेज है मेरा जिसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया अब मुझे अगर सब सम... जी पोस्ट करना है और उसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरा पोस्ट है वो इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे साइमल्टेनियसली चला जाए मतलब एक साथ चला जाए तो कैसे कर सकता हूँ ये करने के लिए मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा क्लिक करते ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अद्वेद मेडिकल एंड जनरल स्टोर और इंस्टाग्राम का भी आइकन दिखा रहा है ये ऐसा क्यों दिखा रहा है क्योंकि मैंने दोनों अकाउंट लिंक करके रखा है तो ये अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट से लिंक्ड है कि नहीं है तो वेरीफाई करने के लिए मैं इसे क्लोज करता हूँ क्लोज करने के बाद में यहाँ पे आप एक सूट का जो आइकन है बॉटम में उस उसपे क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटिंग्स करके ऑप्शन है उस उसपे क्लिक कर दीजिए ये सेटिंग में जाने के बाद में इंस्टाग्राम करके दिखता रहेगा आप उस उसपे क्लिक कर सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो दिखाएगा कि कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट आपके अकाउंट से लिंक्ड है अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नहीं है तो आप मतलब ये लिंक्ड है इसलिए डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है नहीं लिंक्ड होता है तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड पूछता है इंस्टाग्राम का और वो यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा आपके फेसबुक पेज से तो ये होने के बाद में अगर आपका फेसबुक पेज से जो इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना है वो लिंक हो गया वो होते ही फिर जब आप पोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कंटेंट तो में जो आपको कंटेंट पोस्ट करना है वो पेस्ट कर दीजिए वो पेस्ट करने के बाद में जो भी आपको उसमें इमेजेस डालने हैं वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा इमेज आपको डालना है तो यहाँ पे मैं इमेज में ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे डालना है ये करने के बाद में मैं डन पे क्लिक करता हूँ डन पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दोनों का प्रीव्यू दिखाएगा फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फेसबुक पे कैसे दिखेगा और इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा और मैं इस पे पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये दोनों पे पब्लिश हो जाएगा मतलब मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी पब्लिश हो जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पब्लिश हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक साथ एक ही पोस्ट दोनों जगह पे पब्लिश कर सकते हैं फेसबुक पे भी पब्लिश कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पब्लिश कर सकते हैं तो ये था कि कैसे आप आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक साथ कोई भी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं अगर ऐसे वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल